हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट होने वाली है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर। यहाँ पर आपका असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर आपने अगर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 9 सितंबर रहेगी। आइए पूरी वीडियो में डिटेल में देखते हैं हम क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं अभिषेक आपके साथ वीडियो कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन दे रखा असिस्टेंट कमांडेंट का यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशन में आप नीचे आएंगे तो टोटल आपकी 11 वैकेंसीज हैं, और इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं। तो उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं पे स्केल आपका लेवल 10 का नहीं 56,100 से लेकर 177,500 का आपका बेसिक यहाँ पे रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो आपके पास मैंने बताया अगर आपके बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो इसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट आपकी देख सकते हैं यहाँ पर दे रखी है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब एज रिलैक्सेशन ठीक है, तो उसके हिसाब से वो आप यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देख सकते हैं। और 9 सितंबर तक इसमें आपको अप्लाई करना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि आपकी हाइट वगैरह मेल की 165 और फीमेल की 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और आपका जो है चेस्ट वो है आपका अनएक्सपेंडेड, यानी बिना फुलाव के साथ 81 और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का तो आपका एक्सपेंशन यहाँ पर होना ही चाहिए। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए आईसाइट आपकी यहाँ पर 6x6 होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलर विजन भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। लासिक सर्जरी आपका यहाँ पर देखिए अगर 6 महीने पहले की है तो यहाँ पर रखा है, इसके बारे में पूरा आप लोग डिटेल में देखेंगे। लासिक सर्जरी के टैटूज वगैरह अलाउड नहीं रहते हैं। और देखिए 11 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी आपकी यहाँ पे 400 रुपीज़ रहने वाली है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न को भी यहाँ पे कवर करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे यहाँ पर आपको फटाफट कवर कर दिए जाएंगे। अगर मैंने आपको आगे बताया इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग देखेंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्लियर लेजिबल प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन प्रिंट एडमिट कार्ड, दे आर विल नॉट परमिट टू एंटर द वेन्यू ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी पे, यानी आपका पीईटी होगा, उसके बाद आपका पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट हूज एप्लीकेशन फॉर इन ऑर्डर शैल बी इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड टू अपीयर इन द रिक्वायरमेंट एज टेस्ट मॉनिटरिंग इन द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिक्वायरमेंट टेस्ट। हाउएवर द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट हु आर इशूड ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी रिमेन प्रोविजनल विल दे आर फाइनली सेलेक्ट सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट डिबेट ड्रामेटिक म्यूजिक एंड फोटोग्राफिक एनएससी वगैरह एनएसएस। यहाँ देखेंगे आपका बिफोर स्टार्ट ऑफ पीटी पीएसटी द कैंडिडेट विल अंडरगो थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बायोमेट्रिक कैप्चर। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपका फेज वन यहाँ पे रहेगा, जिसमें आप देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 100 मीटर रेस रहेगी, जिसमें आपको इन 18 सेकंड में आपको करनी होगी फीमेल को 20 सेकंड में। और इस तरीके से आपका इवेंट देंगे, फिर 800 मीटर फिर लॉन्ग जंप फिर शॉर्ट पुट, उसका टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है। नो मार्क विल अवॉर्डेड फॉर द टेस्ट ऑफ पीटी, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, यानी पहले आपको ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, जो आपका देख सकते हैं कैंडिडेट क्वालिफाइड पीटी, जो भी पीटी में क्वालिफाइड होंगे उनका स्क्रीन के बाद पीएसटी करा जाएगा, और जो फेल कर जाते हैं पीएसटी में वो यहाँ पर जो है आपका बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे होगा, और बाकी इसमें देख सकते हैं आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यहाँ पे लगाए जाएंगे इंपॉर्टेंट। और आप देखिए यहाँ पर फेज टू में जब आप पीईटी और पीएसटी कवर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आपने के जो भी है 160 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग अवेयरनेस और इसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पर मिलेगा, और आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, तो ये भी आप लोग को मैं इसकी पीडीएफ सब्जेक्ट की अलग से बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और क्वालिफाइंग मार्क्स 50% यहाँ पे जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस के, बाकी के 45% यहाँ पे आपके मार्क्स रहेंगे। और बाकी लास्ट आपका होगा यहाँ पे फेज थ्री, जो आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। इसमें आपको 5 टाइम कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी आपकी 10 सीटें हैं तो 50 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा सब कुछ कराने के बाद। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका मेरिट लिस्ट बनकर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा, यानी थर्ड 3 स्टेज के अंदर होगा, यानी आपका पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, फिर मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट के बेस पर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस यूआर वगैरह के आपके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट उसे देख लीजिए, और सारी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैंने आपके साथ कवर कर लिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज है कि अभी वहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। साथ साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।